ग्रामीणों का जिला कलेक्टर को खनन माफियाओं के खिलाफ ज्ञापन। बाहरी वाहनों के चलते टूट चुकी हैं गांवों की सड़कें। अजमेर के जलिया खुर्द ग्राम पंचायत में खारी नदी से लगातार बजरी खनन हो रहा है और रात दिन भारी वाहन निकलने से गांव की हालत खराब हो चुकी है। ग्रामीणों ने अपनी समस्या को लेकर स्थानीय प्रशासन व पुलिस में शिकायत दी, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। इनसे परेशान होकर ग्रामीणों ने आज जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है और बजरी माफियाओं सहित स्थानीय प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। जालिया सेकंड से आए हैं, जालिया विजयनगर के पास थाना विजयनगर लगता है, खारी नदी में जो लोग रेत का दुरुपयोग कर रहे हैं, ले जा रहे हैं, रात को ले जाते हैं, दिन को ले जाते हैं, किसी की मानते नहीं है। जबकि सरकार की पाबंदी हाईकोर्ट का फैसला है कि वो कोई ले जा नहीं सकता है, तो ये ले जा के डबल ट्रिपल भाव में बेचते हैं और हमारे को भी डराते हैं। किसी प्रकार से सभी प्रकार से परेशान होकर हम 10-20-25 आदमी यहाँ विज्ञापन देने के कलेक्टर साहब के पास आए। इसके पहले हमारे खूब थाने में और तहसीलदार के यहाँ और सब जगह शिकायत, खूब मुख्यमंत्री तक शिकायत की है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी आपको क्या आश्वासन दिया? अभी कहा कलेक्टर साहब ने कि भाई मैं खनन विभाग को और उनको पुलिस वाले को कह के तुम्हारे करवाते हूँ। हमारा नाम जगदीश प्रसाद शर्मा, जालिया सेकंड, अजमेर।